अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और कीप वॉचिंग। आज आप लोगों को जो मैं दिखाने जा रही हूँ, अपनी मेकअप कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ, और मेकअप कलेक्शन वो है जो कि अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और मैंने उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो यूज़ नहीं की और वो मैंने मुझे एज अ गिफ्ट मिली हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। तो चले आए मिलके देखते हैं। चलें जी, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पहले ये रेवोल्यूशन की मेकअप पैलेट है। ये आई शेडो पैलेट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मैंने तो जब ये मुझे मिली, मैंने तो इससे यही सोचा था कि मैं इसको एज अ आई शेडो, एज अ ब्लश ऑन, एज अ कंटोर, जो मेरा दिल करेगा वो उसे यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें इतने ढेर सारे कलर्स हैं और इतनी बड़ी किट है कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एडी वडी है कि 10 बंदे भी इन्हें यूज़ करें तो मुकदी नहीं। तो ये देखें आप, इसको मैं बैक साइड से दिखा दिए, और अब मैं आप लोगों को इसको ज़रा ओपन करके भी शो करवाती हूँ कि ये अंदर से इसके क्या है कलर्स जो हैं इसके। और इतने खूबसूरत इसके कलर्स हैं, इतने ब्यूटीफुल इसके कलर्स हैं। आई ऑलरेडी यूज इट्स अ स्मॉल वर्जन, और वो उसमें भी मोस्टली कलर्स जो थे वो इसी तरह के थे, लेकिन उसमें जो कलर्स थे वो क्वांटिटी उनकी काफ़ी थोड़ी थी। और इसमें ये पिंक कलर और ये दोनों कलर जो हैं, ये दोनों मेरे फेवरेट कलर हैं, और इनकी इनसे आई शेडो की क्रीज़ की जो बेस होती है वो बहुत अच्छी बनती है। आई शेडो के लिए जब आप इसे यूज़ करते हैं तो इसकी क्रीज़ की बेस बहुत अच्छी बनती है। ये आप इसके बैग से आपको दिखा देती हूँ। रेवोल्यूशन लंदन का ब्रांड है, एंड आफ्टर दैट आई शो यू माई ब्रशेज, माई फेवरेट ब्रशेज। ये तो मैंने जब पहली दफ़ा देखे थे ना, मुझे पहली दफ़ा इनसे प्यार हो गया था, इतने मुझे पसंद है, और ये मुझे एज अ गिफ्ट भी मिल गए। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने परफ्यूम। अच्छा, पहला परफ्यूम मैं आपको दिखा रही हूँ सीके, ये है सीके रेड एडिशन, और इसके साथ मुझे एक वो बॉडी वॉश भी मिला था, तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। आई एक्चुअली एलर्जिक विद परफ्यूम्स, सो मैं परफ्यूम में बहुत ज़्यादा चूजी हूँ, मुझे स्मेल से जो है वॉमिट होना शुरू हो जाती है। और ये है विक्टोरिया सीक्रेट, ये आप देख रहे हैं विक्टोरिया सीक्रेट, बट इट्स अ लिटिल बिट शार्प स्मेल, एंड दिस इज सी के टू, इट्स अमेजिंग। इसकी खुशबू इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है कि मतलब अगर आप लोगों को परफ्यूम से एलर्जी है ना, तो आप इसे यूज़ करें, आपको सच में इससे प्यार हो जाएगा, आपको आपको दिल करेगा कि आप इसे यूज़ ज़रूर करें। मतलब इतनी इतनी लाइट सी, इतनी धीमी सी, इतनी मज़े की खुशबू है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और बहुत अच्छी है ये वाली परफ्यूम, बहुत अच्छी, ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिली। आज मैं आपको तकरीबन जितनी चीज़ें शो करवाऊँगी ना, वो मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें शो करवाऊँगी मोस्टली जो है वो ब्रांड न्यू हैं, लेकिन ये परफ्यूम्स जो हैं ये मैंने थोड़े थोड़े यूज़ किए हुए हैं, जो यूज़ की हुई हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये मैंने यूज़ की हुई हैं। तो इस परफ्यूम का जो है, इस परफ्यूम का सीन जो है ना बहुत कमाल का है, मतलब इसके बारे में ना आप जस्ट वाव ही बोल सकते हैं, वाव। सभी परफ्यूम्स में ये फर्स्ट नंबर पर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ, वरना मैं एक से दो दफ़ा परफ्यूम यूज़ नहीं कर सकती। मतलब अगर एक दफ़ा परफ्यूम यूज़ कर, दूसरी दफ़ा मुझे उसको यूज़ करने से ना वॉमिट वगैरह और हेडेक शुरू हो जाता है, तो इस वजह से ये तो रिकमेंडेड है। ये इतना अच्छा आपको शो करवाती हूँ, कैंटोर किट, कैंटोर पाउडर किट है, और ये मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ। ये बेचारी आते हुए कहीं प्लेन वगैरह में टूट भी गई है, तो ऊपर से इसका, लेकिन अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया, ये पाउडर फॉर्म में है। ये भी रेवोल्यूशन की किट है और HD है ये, तो इसको अभी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल न्यू है, इसे मैं आप लोगों के सामने यूज़ करूँगी, फिर देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था कि काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, तो देखेंगे। माय वन ऑफ कज़न ऑलरेडी
bought it and she said it's awesome. So इसे हम use करेंगे. इसके colors बहुत अच्छे हैं. ये आप इसे contour as a contour use कर सकते हैं. और इसके अलावा इसको आप जो है अपना सेटिंग पाउडर के तौर पे ये भी यूज़ कर सकते हैं. और रेवोल्यूशन का मेकअप तो अमेजिंग होता है. और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये है फेस पाउडर बोल सकते हैं आप इसे, सेटिंग पाउडर बोल सकते हैं. और ये जो है बहुत ही कमाल है. ऑलरेडी आई यूज्ड इट वन टाइम एंड इट gives amazing results. और after that I show you Estee Lauder की ये किट है. ये बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी सी किट है. बहुत short collection है इसमें colors की, but it's amazing. और ये भी अभी brand new है, अभी use नहीं. चलें जी, अब आ जाते हैं L'Oreal का मस्कारा. और ये बहुत अच्छा है, हाई वॉल्यूम के लिए है. और मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ बहुत दफ़ा. और ये बिल्कुल मैजिक है. और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी Maybelline की बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक. और इसका इतना मज़े का कलर है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉबेरी खैर डार्क कलर में होती है, लेकिन ये मैंने अभी यूज़ की, ये बहुत अच्छी है. ये ज़रूर आप लोग ट्राई करें, ये तो मोस्ट रिकमेंडेड है. और ये है Estee Lauder तो भाई सबका बाप है. तो ये दिखा दें, ये देखें, इन्होंने इसके ऊपर जो है एक साइड पे ना छोटा सा मिरर भी दिया हुआ है कि मिरर में देखें आप लिपस्टिक लगाएं. रेड कलर है इसका और बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी और बहुत अच्छा इसका जो है ना रिजल्ट है. और अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी ये वाली पैलेट. कंटोर पैलेट है, ये भी रेवोल्यूशन की है और ये क्रीमी फॉर्म में है. और इसकी कवरेज भी बहुत कमाल है, ख़ासतौर पे ये अपने डार्क सर्कल्स वगैरह और ये जो दूसरे एरियाज जो होते हैं कवरिंग के लिए, इन पे आप यूज़ कर सकते हैं. और इस ये क्रीमी फॉर्म में बहुत अच्छी है ये भी. और अब मैं आप लोगों को अपना ये मस्कारा दिखा रही हूँ. क्लिनिक का ये मस्कारा है और आजकल मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. और ये भी जो है हाई वॉल्यूम के लिए है और बहुत अच्छा है. इससे ज़रा भी आपके आंखों में जलन वगैरह, जिन लोगों को अक्सर इशू हो जाता है मस्कारा से, तो इससे नहीं होगा. और ये है आईलाइनर, बहुत पतली सी लाइनिंग के लिए ये पेन आईलाइनर है. ये भी क्लिनिक का है और ये बहुत अच्छा है. और इसके बाद क्या दिखाऊँ, हाँ ये दिखाती हूँ आपको. ये है मेरी पैलेट, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ आम रूटीन में भी. इसमें थोड़े ग्लिटरी कलर भी हैं और थोड़े डार्क शेड्स, थोड़े लाइट शेड्स, बेसिक शेड्स भी हैं. और ये जो है ये भी ख़ासतौर पे शादियों वगैरह के लिए है और ये शिमरी है, ठीक है. और इसके पार्टी कलर्स हैं बहुत अच्छे, पिंक, पर्पल, फिरोजी कलर्स. और अब मैं आप लोगों को अपनी NYX की गलाबो दिखा देती हूँ. अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा गौश का सेटिंग पाउडर एंड प्राइमर, ये दोनों हैं. और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है. आप इसे बेस के बाद ऊपर अपने जब कंट्रोल वगैरह के बाद इसे यूज़ कर लें, बल्कि पहले यूज़ कर लें, तो ये आपको फील ही नहीं होता कि मेकअप किया गया. और ये कवर कल की मैंने रिसेंट खरीदी है, ये है बीबी क्रीम है और आर लिटिल विद डार्क कलर है फॉर मी. पर इसकी कहानी भी मैं आपके आगे आगे आपको सुनाऊंगी कि इसे मैंने डार्क कलर में क्यों डाल किया. चलो यही आ जाए मेरा इस आई शेडो देख, क्रीमी आई शेडो. और ये मेरा फेवरेट आई शेडो है मेरे सारे मेकअप में, क्योंकि मैंने कभी भी जल्दी से भाग के कहीं जाना होता है तो मैं जल्दी जल्दी से उठाती हूँ और इसे जब खोलते हैं तो बड़ा अच्छा लिप ग्लॉस की तरह से ये निकलता है. इस तरह से ये निकलता है और इसका जो है कवरेज इसकी बहुत अच्छी है. जैसे कि आप इसको आइस पे लगाते हैं, चाहे आप जीन्स पहन रहे हैं, टॉप पहन रहे हैं, या कोई गर्मियाँ हैं और ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाह रहे हैं, बस इसे थोड़ा थोड़ा अपने आइस पे लगाएं. और इतना मज़े का आपको ये लगा हुआ सूट करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. मुझे बहुत पसंद है ये. और मैं तो जब कहीं भाग के बस जाना तो जल्दी जल्दी से निकालती हूँ, लगाती हूँ, चली जाती हूँ. और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी पुताखा किस्म की बेस. ये बेस जो है ना, ये तो इतनी कमाल की है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ. इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ें मैंने दी हैं, कि मेकअप के लिए भी है, सेटिंग के लिए भी है, प्राइमर भी है, बेस भी है, कंसीलर भी है. दो, सॉरी, कंसीलर नहीं है, मतलब कि इसके अंदर इन्होंने तीनों चीज़ें दी हुई हैं. ये मैक्स फैक्टर की बेस है और ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि ये मैक्स फैक्टर की बेस भेजने वालों ने मुझे गलती से ज़रा लाइट कलर भेज दिया था,
तो कन्फर्म नहीं होता, जब आप दूर बैठे होते हैं आपको पता नहीं होता। तो उसको मैंने बीबी क्रीम इसके साथ यूज़ करने के लिए लिया और मैंने इसको यूज़ किया और ये बहुत अच्छी है। और ये मोह का है आईलाइनर जो कि सॉरी मस्कारा जो कभी तक मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन सुनने में आया बहुत अच्छा है। चलें जी आपको ये दिखाती हूँ, ये है मेरा लिप क्लॉथ, ये मूज लिप क्लॉथ मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन ये मूज की है, मूज है इसका फॉर्म जो है, मतलब कि ये मैट भी है और ये ग्लॉसी वाला मतलब थोड़ा ऑयली ऑयली फॉर्म भी है इसकी और ये मैट भी है। आप लिप्स पे लगाएंगे तो आपको मैट लगेगा। और मज़े की बात ये है रेवलॉन का, और ये तो मैंने अभी बाय किया है $10 to $11 में ये मैंने बाय किया था यहीं से। और इसके बाद मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन टाइम थोड़ा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो ये ब्राउज़र दिखा देती हूँ आपको, ये ब्राउज़र देखें, ये मैं आम रूटीन में यूज़ करती हूँ और ये नेक्स्ट ब्रांड का ब्राउज़र है लेकिन बहुत कम रूटीन रोज़ नहीं, कभी कभी। और इसमें 3-4 शेड्स हैं और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आपने कहीं फंक्शन वगैरह पर जाना है कहीं आगे पीछे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। अब मैं आप लोगों को आगे दिखा देती हूँ सीके का, ये देखें, ये मैं आपको बोल रही थी, ये है मेरे पास बॉडी वॉश उस परफ्यूम के साथ। और ये है रवाज यूके की किट, आई शेडो किट, ये शिमरी है चमकीली चमकीली आंखों के लिए और बहुत ब्राइट कलर्स हैं इसके, तो इस ख़ास तौर पे वेडिंग्स वगैरह पे आप इसे बहुत यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना नीली अखियों वाली, ये है चमकीली अखियों वालियों के लिए। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सेक्स एंड सिटी, ये भी लंदन या अमेरिकन ब्रांड है और इसके जो मैट कलर्स हैं आई शेडो मैट कलर्स वो तो अमेजिंग है। और इसकी बॉक्सिंग इतनी अच्छी उन्होंने की हुई है कि बंदे का दिल खुश हो जाता है देख के। कुड़ियों ने तो उदा ही मेकअप के विच बिठा दो तो बस, खाना ना हो पीना ना हो बस मेकअप हो रहे लड़कियों के। तो अच्छा इसके जो ब्लशेज हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, ये जो सारे शेड्स हैं ये लिप्स के लिए हैं, ये लिपस्टिक शेड्स हैं इसके या लिप ग्लॉस शेड्स आप बोल सकते हैं। और ये सारे इसके आई शेडो पैलेट हैं, ये जो ये आई शेडो पैलेट है इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे लाइट लाइट से पिंक फिरोजी और इस तरह के कलर्स हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोगों को इस तरह के कलर्स जो है ना आम जब आप पैलेट वगैरह बाय करते हैं तो उसमें नहीं आते, और ये इसके नीचे से यूँ इसके ब्रशेस निकलते हैं। तो ये मैंने 1 to 2 times यूज़ की है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी है, ये है सेक्स एंड सिटी बाय लंदन, और इस तरह से ये ओपन होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें, लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें। चलें आगे जी आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ, ये है एस्टी लॉडर का, ये मैंने तो नहीं बाय किया, गिफ्ट मिला मुझे, ये है इसका एस्टी लॉडर का ब्यूटी बॉक्स। आप इसके अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे स्टफ़ पे है। और ये एस्टी लॉडर का नहीं है, ये लिंकन के नाम से और कोई ब्रांड है यूएसए का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे पाउचेज़ वगैरह होने चाहिए जिसमें आप लोग अपनी चीज़ें जो है ना साथ साथ कवर कर लें ताकि आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ये देख ले मेरे इर्द गिर्द कितना ज़्यादा सामान खिलरा पड़ा है खिलरा पड़ गया है मेरे इर्द गिर्द, और काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, प्राइमर वगैरह ब्लश ऑन वगैरह और ब्रशेज़ वगैरह, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इसलिए यहीं पे जो है इसको ख़त्म करते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक आप लोगों को कोरोना वायरस जैसी वबा से बचाए, और अपना मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें एंड थम्स अप देना भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।